Hello friends, please like, share and subscribe study point and don't forget to press the bell icon. दोस्तों स्टडी पॉइंट शिवानंद में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों. दोस्तों स्टैटिक जीके में हम क्लियर कर रहे हैं अब प्रमुख शहरों के उपनाम. दोस्तों भारत में लगभग 60 से 70 शहरों के उपनाम जो है हम इस पोर्शन में क्लियर करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. देखिए पहला शहर है, भारत में कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों झारखंड में एक जगह है धनबाद. धनबाद में कोयले के भारी निक्षेप पाए जाते हैं इसलिए कोयला नगरी नाम से धनबाद को जाना जाता है. ठीक इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पंजाब. पांच नदियों की भूमि, अगर आप पंजाब को दो भागों में तोड़ के देखें तो इसका होता है पंच धन आब. पंच का मतलब हो गया पांच और आब का मतलब होता है नदी. तो पांच नदियों का जो आब का क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? पंजाब कहेंगे. तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पांच नदियों की भूमि के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पंजाब होगा. ठीक अगले तरफ बढ़ते हैं. लिखा है सात टापुओं का नगर, भारत में सात टापुओं का नगर नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई. दोस्तों ऐसा इसलिए कि मुंबई अगर कोस्टल प्लेन को हम देखें, कोस्टल एरिया को देखें तो मुंबई की लोकेशन कुछ यहाँ पे है. अरब सागर से होते हुए मुंबई में डायरेक्ट यहाँ से क्या है प्रवेश किया जा सकता है. इसलिए जो है इस टापू वाले एरिया को हम सात टापुओं का नगर भी बोलते हैं और साथ में इसे हम भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सात टापुओं का नगर मुंबई और साथ में प्लस भारत का प्रवेश द्वार भी क्या कहलाया दोस्तों? मुंबई. ठीक है दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और देखते हैं कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बुनकरों का शहर अगर आपसे पूछे तो पानीपत को कहा जाता है. बुनकरों का शहर दोस्तों पानीपत को कहा जाता है. ठीक है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर जो है कहा जाता है बंगलुरु को. बंगलुरु को इसलिए कि ईस्टर्न कोस्ट में कुछ मिसाइलें और पश्चिपात्र यहाँ से सतीश धवन श्रीहरिकोटा क्षेत्र आदि से कुछ मिसाइलें छोड़ी जाती हैं अंतरिक्ष के लिए. इस आधार पे अंतरिक्षों का जो शहर है वो बेंगलुरु को बोला जाता है. ठीक है दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं. डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों. ठीक है नेक्स्ट देखते हैं. सेवन नंबर इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो यह भी बेंगलुरु को कहा जाता है. ठीक है दोस्तों जैसे अंतरिक्ष का शहर हमने पढ़ा था बेंगलुरु को कहा जाता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलुरु को कहा जाता है. इसका कारण यह है कि यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज क्या हैं विकसित हो रही हैं. इस आधार पे बेंगलुरु को क्या है इलेक्ट्रॉनिक नगर की संज्ञा दी जाती है. ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. तो त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर दोस्तों कहा जाता है मदुरै को. मदुरै में बहुत सारे त्यौहार क्या है दोस्तों मनाए जाते हैं. इस आधार पे त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को. ठीक नेक्स्ट देखते हैं हम नौवां नंबर में ये दिया गया है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? आप सबको पता है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है. पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है इसलिए स्वर्ण मंदिर का अगर शहर पूछे तो अमृतसर. ठीक है हम दसवां और आखिरी देखते हैं इस पार्ट का. बाकी आगे मैं आपके लिए कम से कम 50 प्लस नगरों के उपनाम भौगोलिक उपनाम लेकर आऊँगा. ठीक है तो ये लास्ट है महलों का शहर किसे बोला जाता है? तो महलों का शहर दोस्तों कोलकाता को बोला जाता है. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जब अपना आधिपत्य जमाया तो कोलकाता उनकी कैपिटल थी.
तो इस आधार पे वहाँ पे बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया, इस कारण से कोलकाता को महलों का शहर बोला जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप 2 से 3 बार देखेंगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ स्टडी पॉइंट शिवानंद में। तब तक के लिए नमस्कार।